भारत भले ही हमेशा से एक पुरुष प्रधान देश माना गया हो, लेकिन इसके इतिहास में कई बार स्त्रियों ने खुद को पुरुषों से कई गुना बेहतर साबित करके दिखाया है। हमारी भारतीय संस्कृति के इतिहास के पन्नों को यदि उठाकर देखा जाए तो स्त्रियों को लेकर अनेक प्रकार की बातें बताई गई है, जिनमें से कई तो सच है तो कई झूठ। इतिहासकारों द्वारा उनकी तुलना किसी न किसी रूप में की जाती आई है। आज मैं आपको बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार स्त्री की असली पहचान क्या है। भगवान कृष्ण की 8 पटरानियां थी और कथाओं के अनुसार उन सभी में सबसे सुंदर सत्यभामा को बताया गया है। भगवान कृष्ण अपना ज्यादातर समय सत्यभामा जी के साथ ही बिताया करते थे। एक बार रानी सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर घमंड हो गया और घमंड में उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि आपको मैं कैसी लगती हूँ। श्री कृष्ण जान गए कि सत्यभामा में घमंड आ गया है, इसलिए उन्होंने सत्यभामा की घमंड को तोड़ने का फैसला लिया। कुछ समय पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने एक भव्य भोज का आयोजन कराया। भोज का खाना श्री कृष्ण ने सबसे पहले सत्यभामा को खाने कहा। जैसे ही सत्यभामा ने पहला कौर अपने मुंह में डाला, उसे तुरंत ही निकाल दिया। सत्यभामा बहुत क्रोधित हो उठी। सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि बिना नमक के खाना खिलाने का क्या तात्पर्य है, बिना नमक के कोई कैसे खाना खा सकता है। सत्यभामा ने कहा कि यदि बिना शक्कर की मिठाई बनाई गई हो वो भी खाई जा सकती है, पर बिना नमक की कोई भी नमकीन चीज नहीं खाई जा सकती। तब श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, मैंने जब तुम्हें नमक के समान बताया तो तुम तो क्रोधित हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने स्त्री को नमक की तरह इसलिए बताया है क्योंकि स्त्री नमक की तरह अपना अस्तित्व मिटाकर भी अपने प्रेम तथा आदर सत्कार से परिवार को जीवन भर बांधे रखती है और कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या पर उन पर आँच नहीं आने देती। स्त्री अपने परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे से जोड़कर रखती है और अपने परिवार में हमेशा खुश रखती है। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हुए कहते हैं कि जो पुरुष सोचते हैं कि महिलाएं उनके आगे कुछ नहीं है, वह केवल उनके सेवक है। वह दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख होते हैं, क्योंकि असल में स्त्रियां ही वो है जिन्होंने इस विश्व को सही मायने में संजोया है। अगर स्त्रियां ना हो तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं है, न प्रेम, न आदर, न मां, न बच्चे। हम सभी को हर स्त्री की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि वह सभी देवियों का ही रूप है जो इस धरती पर रही है। यदि कोई इंसान उनका निरादर करता है तो गीता के अनुसार वो पाप का भागीदार होता है। तो आप सब तो समझ ही गए होंगे कि स्त्रियों का इस दुनिया में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण के अनुसार एक स्त्री की असली पहचान। तो आप सबने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने रानी सत्यभामा को कैसे एक स्त्री की अहमियत और उसकी असली पहचान बताई थी। उम्मीद करते हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।